और मीटिंग तो वो अपनी अटेंड करनी है आज, और जो अब मैं निवेदन करूंगा बाड़मेर विधायक बाड़मेर लोनगंज जी मोतरा चेयरमैन बाड़मेर शॉर्टकट में। आज हमारे हमने कहा ये व्यवस्था ऐसी नहीं है, आप किस बेस में लोगे, हमारी व्यवस्था ही बिगड़ती है। उन्होंने किया क्या, देखो किसी के बहकावे में आए हैं और बहकावे में कोई होता है तो उसको आपको किसी को अंदर नहीं लेना। ये मेवाराम जी और हम दोनों एसपी साहब और कलेक्टर साहब के पास आपकी पैरवी करने हम गए थे, पूरा हमने ये कहा किसी हालत में जो अंदर ले लिए ले लिए, किसी एक आदमी को अंदर नहीं लेना। फिर भी मेवाराम जी जाके उन्होंने जो वास्तविकता नहीं थे उनको हाथों हाथ 24 घंटे के अंदर बाहर निकाला, और जो रह गए उनको हमने कहा हम एक आदमी को अंदर जाने नहीं देंगे। हम तो रुल गए, हमारे पास इतना पैसा भी नहीं, हमारे पास कानून नहीं, जमुना जाते हैं क्या बोलता तुम्हारा अंगूठा सही नहीं है नहीं मिलेंगे। अरे भैया पहले कांग्रेस में कौन कहता था हमारे को कि भाई तुम्हारे गम नहीं मिलेंगे, लेकिन ये मोदी ने भी आलू जा दिए है। और भाई बहनों हमारा कहने का मेरा यही फर्ज है कि हमारे को कांग्रेस कोई आगे लानी है। क्या रहे और नाश्ता करके जाना है, बैठा रहे। इतनी गर्मी में आज से सात आठ दिन पहले जो मीटिंग बूथ लेवल की हुई उसमें भी हजारों की तादाद में आप लोग पधारे, और आज भी आप मेरे छोटे से निवेदन पर यहाँ पधारे, मैं आपका तहे दिल से आभारी और धन्यवाद ज्ञापित करना। मुझे ये आपको यहाँ तकलीफ देनी क्यों पड़ी, मेरी बात जरूर आपसे पूरी सुने, और वहाँ जहाँ कहीं मैं गलत हूँ मुझे स्पष्ट कहें कि इस जगह गलती है, मैं उसको स्वीकार करूँगा और आप जैसे कहोगे मैं उसी हिसाब से चलूँगा। इसके पीछे भी कारण है कि मैं आप पता कर लो मेरी समाज के वोट तो 10-12 हज़ार से ज़्यादा है नहीं, और 36 ही गाँव जिसमें एससी एसटी मुझे 90% वोट देती थी, दो ही बार 90% और चेयरमैन के टाइम भी 100%, चाहे सरपंच रहा चाहे कोई भी रहा, उनकी बदौलत आज मैं इस जगह हूँ। अगर वो नाराज होती है मेरे से और नाराज है तो मैं अगर इनको नाराज कर कर और मैं आगे अगर बढ़ूँ तो मेरे जैसा कोई हल्का या ऐसा कोई गुणचोर आदमी नहीं है कि मैं आपको नाराज कर कर और आगे बात करूँ या आगे बढ़ूँ। मैं कहना चाहता हूँ 2 तारीख को लेके ये सारा प्रकरण हुआ, 2 तारीख के दिन मैं जयपुर था, मुझे जयपुर में हैंडपंप 101 एमएलए को दिए थे, वो सेंक्शन कराने थे, और उसके लिए कर्नल साहब और प्रियंका जी ये लगे हुए थे कि भाई मेवाराम कांग्रेस का एमएलए इसको हैंडपंप नहीं देकर हम कहें उसको दो, ये आप मंत्री जी को पूछ लेना। तब मुझे अचानक जाना पड़ा वहाँ जयपुर, और वो 100 हैंडपंप उस दिन नहीं जाता था, वो 100 हैंडपंप मेरे सेंक्शन नहीं होते, ये चेंज करा देते। आप उसकी डेट देख दो कि ये वहाँ मैं 2 तारीख को था, 2 तारीख के दिन वो हैंडपंप सेंक्शन हुए या नहीं हुए वो आप पता कर लेना, तो आपको पता लग जाएगा मैं जयपुर क्यों गया। मुझे कोई ये अंदेशा नहीं था कि यहाँ धरना हमेशा प्रदर्शन होते रहते हैं, कभी आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ कि इस तरह से लाठी चार्ज, इस तरह से पत्थरबाजी या इस तरह से धरने को कुचलना या ऐसी वारदात का किसी को अंदेशा भी नहीं था, अगर होता तो मैं जाता भी नहीं। मैं पहले तो आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस प्रकरण में लोग मेरे पे आरोप भी लगा रहे हैं कि मेवाराम जैन के ऑफिस में लिए FIR दर्ज हुई, नाम लिखे गए, मेवाराम ने लोगों को पकड़ाया, मेवाराम ने लोगों को पिटवाया, ये बातें लोग कर रहे हैं। और नौजवान पीढ़ी जिनको शायद पता नहीं है, क्योंकि जिसको पता नहीं तो वास्तव में भी लोग कई तो बस कहते होंगे कि साहब ये बात सही होगी, तो मैं कहना चाहता हूँ कि पहले तो इस बात की आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि मेवाराम जैन का 1% नहीं, 1 सुई टिकाऊ तक का भी इसके अंदर आपके प्रति अगर मैं खिलाफ हूं तो मेरे जैसा नीच और कमीन कोई आदमी नहीं। और मैं आज इस आपके सामने भगवान की सोगन खा के मैं बात करता हूं
और मुझे किसी मंदिर या कहीं मठ में आप डाल देना कि आपके प्रति अगर मैंने इस प्रकरण में कहीं भी खिलाफ की हो तो मैं जानू ऊपर वाला जानू। पहले तो आपको ये इसकी तसल्ली करनी होगी, कहीं भी तसल्ली करा है मुझे, जहां आप जिस स्थान में आप सौगंध दिलाओगे तो मैं पहले सौगंध लूंगा और उसके बाद में आप तय करना। सेकंड बात, जो ये बातें हो रही है मैं तो आपसे कह रहा हूं आप के, क्योंकि मैं 2-5 साल चेयरमैन भी रहा, 10 साल एमएलए भी रह चुका, आपको अगर नाराजगी है किसी तरह से मेरे से आपके कोई प्रॉब्लम है, आज यहाँ बैठे इतने लोग मुझे अभी कह दो कि मेवराम जी अब के आप छोड़ दो, हम आपसे संतुष्ट नहीं है, मैं अगर मेरे असली बाप का हूँ तो मैं यहीं छोड़ के जाऊँगा और वहाँ खड़ा नहीं होऊंगा, मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता। ठीक है, काम कई हुए हैं, कई लोगों के नहीं भी होंगे, कोई इस प्रकार की नाराजगी होगी, परंतु जिस तरह से मुझे ये टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से इन्हें पूरे जिले में जिस तरह से मुझे टारगेट किया जा रहा है, अब 7 सीटों में सिर्फ एक बाढ़ में नजर आई इनको, इसके पीछे क्या कारण? और वही आप पता करो, गत विधानसभा के अंदर, अभी तो ये 2 तारीख की बात घटना की बात कर रहे हैं, गत विधानसभा में शिव के अंदर कांग्रेस का झंडा, मलुआ में एंटर होते ही बीजेपी का झंडा, वही मेरे खूब मुझे हराने का प्रयास किया, बोलो अब तो उनके तकलीफ क्या पता वो करा कि भैया समाज का मामला है आपने ये किया, तो गत विधानसभा में क्या था, क्यों मेरे खिलाफ थे ये तो बताए, प्रधान तो उसको मैंने बनाया बाढ़ में, भाई शिव के अंदर, ये किसी से पूछ लो, अमीन खान को पूछ लो, किसी को पूछ लो, इनके उदयराम जी के सब लोग खिलाफ थे, मैं जाके इनके गले पड़ा और मैंने इनको प्रधान बनाया, तो इसमें मैंने गलती नहीं की, पर इनको पूछो कि आप पर्टिकुलर मेरे पीछे इस तरह का वातावरण क्यों बना रहे हो, मुझे तो ये समझ में बात ही नहीं आ रही है, इस तरह की झूठी बातें करना, इस तरह से गुमराह करना, मतलब 1% कहीं सच्चाई हो तो बिल्कुल आप करिए, हड़ाहड़ झूठी बात करके आपको जगह जगह घूम रहे हैं फिर रहे हैं कि मेवाराम ने ये किया, मेवाराम ने ये किया, अरे आपकी लड़ाई तो अपने होनी चाहिए बीजेपी और कांग्रेस की, ये जो आंदोलन है कुचला बीजेपी ने, बीजेपी के लोग बैठे बाहर, उसको अंदर दिया तो किसको दिया मुझे बताओ, सारे बाहर घूम रहे और अपने कांग्रेसियों को अंदर दिया, और पता कर ले, कलेक्टर से पूछ ले, एसपी से पूछ ले, आईजी से पूछ ले, कहीं भी पूछ ले, जिला कलेक्टर की मीटिंग में मंत्री आया था उनके सामने बोल दे, पूछ ले कि मेवाराम ने जितनी पैरवी की इतने सारे पूरे नेताओं को पूछ लो कि किसने सबसे ज्यादा अगर आपकी पैरवी की है तो उनसे पूछ लो। मैं 4 तारीख को शाम को यहाँ आया, आते ही मैंने कलेक्टर से बात की, आधा घंटा कलेक्टर से बात की, कलेक्टर ऐसी कही है आप ये भी पूछ रहे हैं, उनसे बात की, उनको मैंने क्या कहा, मैंने कहा बाड़मेर में क्या आग लगानी है आपको, इस जिस दर से आप टेरर फैला रहे हो, आप 307 का मुकदमा दर्ज कर रहे हो, 307 किसको कहते हैं, किसके लिए मुकदमा होता है, आप इसमें लाठीचार्ज और पत्थरबाजी चार्ज लोगों ने कर दिया, 307 में आप दुनिया भर के लोगों को अंदर कर रहे हो, बेकसूर लोगों को अंदर डाल दिया, और पीछे लोगों की इतना टेरर के कोई घर में औरतें घर में नहीं रह रही है, नौजवान सब भगे, सरकारी नौकरी वाला बेचारे स्कूल की ड्यूटियां छोड़कर चले गए, ये क्या आपने कर रखा है। जो कलेक्टर ने कहा कि बात तो, उसने कहा कि बात तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है तो उसको ठीक करो, अब आप ये धरपकड़ आपने की है इसको बंद करो, और नहीं करोगे तो इसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। तब कलेक्टर ने कहा कि आप कैसे ठीक करें आप बताओ, तो मैंने कहा पहले आप बिल्कुल किसी को पकड़ो मत, बंद करो, लोगों को बुला के बात करो, मीटिंगें करो और उनको भरोसा दिलाओ कि हम आप आगे कार्रवाई नहीं करेंगे, तब आपके ये वातावरण ठीक होगा, नहीं तो नहीं होगा।